नमस्कार मित्रों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आप लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया कि शास्त्री जी, जो गण होते हैं जैसे मानव गण, देवगण, राक्षस गण, इनके बारे में भी बता दीजिए, इनका क्या स्वभाव होता है। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बड़े सरल तरीके से इनके बारे में समझाना चाहूंगा। दूसरा, कुंडली मिलान करते हुए भी, गुण मिलान करते हुए भी, जातक जातिका की, कन्या वर की या फिर लड़का लड़के की जब हम कुंडली मिलान करते हैं, उसमें भी जो गण है एक बहुत भूमिका निभाते हैं, क्योंकि गण को अष्टकूट मिलान के अंदर 6 अंक मिले हैं। तो अगर गुण मिल गए तो आपको 6 अंक की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसे कैसे देखते हैं, आज इस विषय में बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जब हम वैवाहिक जीवन की बातें करते हैं तो उसमें ग्रह मैत्री, भुकुट और नाड़ी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर कुंडली के अंदर मैत्री दोष हुआ, भुकुट दोष हुआ, नाड़ी दोष हुआ, तो वैवाहिक जीवन के अंदर काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इनको अंक काफी मिला है। इसी प्रकार जो गण है, गण को भी अंक बहुत मिले हैं, 6 मिले हैं, पर वैवाहिक जीवन में अगर गण आपस में जातक जातिका की नहीं मिल रहे हो तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं होती। मैत्री, ग्रह मैत्री, भुकुट दोष और नाड़ी, इन तीनों का ही ज्यादा अहम भूमिका होती है वैवाहिक जीवन के अंदर। दूसरा, पर ये महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि इसके 6 अंक होते हैं कुंडली मिलान के अंदर, अष्टकूट मिलान के अंदर इसको 6 अंक दिए गए हैं टोटल 36 अंक में से, तो इस वजह से महत्वपूर्ण है वैवाहिक दृष्टि से भी, अगर आप इस तरह से समझें, सिर्फ और सिर्फ अगर अंक की बात की जाए। दूसरा, इनका स्वभाव कैसा होता है व्यक्ति का, ये सबसे ज्यादा एक आवश्यक जो फीडबैक आया आप लोगों का, इसके विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो राक्षस गण के हैं वो घबरा जाते हैं कि हमारा राक्षस गण है तो क्या हम राक्षस जैसे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आओ इस विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो मानव गण होता है, जिस टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र के बेस पे ही गण होते हैं, टोटल 27 नक्षत्र। आप ये समझ लीजिए 27 नक्षत्र को अगर आप 3 में डिवाइड करेंगे तो जो गण है नौ 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 आ जाएंगे। तो इसी प्रकार जो मानव गण है उनकी जो स्वभाव होता है, आप समझ लीजिए वो होते हैं, वो थोड़े इस प्रकार के होते हैं, वो थोड़े आध्यात्मिक होंगे और थोड़े भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करने वाले होंगे। मतलब उनका जो जीवन होगा वो पृथ्वी पर मानव होगा, वो सिर्फ कर्म की वजह से आएंगे, अपने भौतिक सुख, अपना कुछ कमाएंगे, कर्म करेंगे और उसी के बेसिस पे जिंदगी को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। थोड़ी भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति की भी लालसा होगी और थोड़े भगवान में भी उनकी श्रद्धा होगी, तो दोनों का बैलेंस जो बना के चलते हैं वो मानव गण वाले होते हैं। इसी के विपरीत अगर हम देवगण की बातें करें तो देवगण वाले जो होते हैं वो थोड़े, आप समझ लीजिए, वो नाम ही खुद बता रहा है देवगण, ये काफी धार्मिक किस्म के होते हैं, धार्मिक के साथ साथ बहुत ही बहुत ही दयालु किस्म की इनके नेचर देखा गया है, बहुत ही भौतिक सुख सुविधा की इनको ज्यादा लालसा नहीं होती, वरन ये आध्यात्मिक किस्म के ज्यादा होते हैं, देवता से डायरेक्ट कनेक्ट होता है इनका, इस तरह से आप समझ सकते हैं। धार्मिक, अपने माँ बाप को मानने वाले, इवन अपने गुरुजनों को मानने वाले, दूसरों को प्यार करने वाले, ये सब भावना इनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है देवगण के अंदर। अब हम राक्षस गण के प्रवृत्ति की अगर बात करें तो ऐसे नहीं है इस तरह के लोग जो है राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं तो राक्षस जैसा नेचर होता है, नहीं, वरन ये जो लोग होते हैं ये आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा ना जाके सिर्फ और सिर्फ कर्म को पे ज्यादा बिलीव करते हैं, और इनके अंदर जो मेटेरियल लाइफ होती है यानी जो भौतिक सुख सुविधा की जो बहुत चीजें होती हैं उनकी तरफ इनकी लालसा रहती है। भगवान में थोड़ा इनका कम विश्वास रहता है, और जो आज है, जो वर्तमान है, उसमें जो मेटेरियल चीजें हैं उनमें इनकी लालसा कुछ ज्यादा देखी गई है। आप इस तरह से समझ कर, थोड़ी प्रैक्टिकल भी होते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो इनकी सोच होती है वो देवगण के मुकाबले थोड़ी नेगेटिव किस्म की होती है। नेगेटिव मतलब ऐसे नहीं 24 घंटे नेगेटिव सोचते हैं, पर अगर देवगण की बात करें तो वो हमेशा सकारात्मक सोच विचार रहेगी, और जो मानवगण है वो इन दोनों का मिक्सन है, थोड़ा उसमें देवगण की क्वालिटी, थोड़े उसमें राक्षस गण की क्वालिटी, क्योंकि राक्षस गण भौतिक सुख सुविधा की जो करंट में जो मेटेरियल चीजें उनको प्रतीक करता है, देवगण जो है वो सिर्फ आध्यात्मिक को ज्यादा प्रतीक करता है, और जो मानवगण है वो आध्यात्मिक के साथ साथ जो भौतिक सुख सुविधा
होती हैं जो वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, वो दोनों को, ऐसे आदमी को दोनों की ही चाहत होगी। तो इस तरह से गन के बारे में हम जान सकते हैं। अगर इनकी आपस में बात करी जाए, जैसे अगर मानव गन जातक है और जातिका का भी मानव गन है, फिर तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि दोनों ही मानव गन के हो गए, दोनों ही आध्यात्मिक किस्म के भी होंगे और थोड़े ही कर्म पे भी ध्यान करके अपनी जीविका को अर्जित करना और मैटेरियल लाइफ में सब चीजें लेके आना और आगे बढ़ते रहना, इस तरह के विचार होंगे। देवगन के होंगे तो दोनों परोपकार की भावना ज्यादा होगी, दूसरों को, अपने से ज्यादा दूसरों की चाहत रखने वाले होंगे। राक्षस गण के होंगे तो आप कह सकते हैं कि थोड़े अपने आप ज्यादा सोचेंगे, और आध्यात्मिक को होना होगे प्रैक्टिकल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, इस तरह के हम कह सकते हैं। अगर एक का मानव गण हुआ, राक्षस गण हुआ, तो थोड़ा विचारधारा में थोड़ा सा अंतर होगा। इसी के विपरीत एक का मानव गण और एक का देवगण हो तो भी बढ़िया, एक का देवगण हो एक का मानव गण हो वो भी अच्छा, मानव गण हो एक का राक्षस गण हो तो थोड़ी प्रॉब्लम सी हो सकती है, ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता गण का। इसी के विपरीत अगर किसी के दोनों के दो देवगण है तो भी बहुत अच्छा, और दोनों के अगर राक्षस गण है तो भी अच्छा, अगर दोनों जातक और जातिका के दोनों के गण अगर राक्षस मिलते हैं। तो इस प्रकार हम गुण मिलान करते हुए गण का ध्यान रखते हैं, और मैंने बेसिक आपको सहभाव भी बताया कुंडली मिलान के अंदर भी, और अगर गण है जातक जातिका का तो उनका कैसे सहभाव होता है। तो धन्यवाद मित्रों, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।